Good morning, dear student. Today I am here with the sixth preparatory assignment. In this sixth preparatory assignment, I will discuss the letter of invitation as well as an essay over my father. Right? So let's discuss these two things first. 10 Mall Road, comma, Shimla. I have written 10 Mall Road, Shimla here, but you can go with the any other address too. 10 Mall Road, Shimla. Date, you have to write here the current date. Today is 22/9/2020. Dear Simmer, you have to write the name of your friend here. I have written Simmer here, but you can go with the any other name too. Dear Simmer, comma, I am fine and hope same from you. I am fine and hope same from you. मैं ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी ठीक होगे. I am fine and hope same from you. As you know, my birthday is going to fall on 29 September 2020. As you know, my birthday is going to fall on 29 September 2020. You can go with the any other date here too. But I have written 29 September. As you know, my birthday is going to fall on 29 September 2020. जैसे कि तुमको पता है कि मेरा बर्थडे इस 29 सितंबर को आ रहा है. आई हैव इनवाइटेड ऑल माय क्लोज फ्रेंड्स. मैंने अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट किया है एंड आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट इट एट माय होम. और मैं अपने बर्थडे को घर पर ही सेलिब्रेट कर रहा हूँ. एंड आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट इट एट माय होम. आई होप यू विल कम एंड ज्वाइन अस. I hope you will come and join us. मैं आशा करता हूँ कि तुम जरूर आओगे और हमें ज्वाइन करोगे. राइट. सो योर्स फ्रेंड, आपने यहाँ पर अपना नेम लिखना है. योर्स फ्रेंड अमन. यू कैन गो विद योर नेम टू हियर. राइट. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इट अगेन. 10 मॉल रोड, शिमला. डेट, डियर सिमर, I am fine and hope same from you. As you know, my birthday is going to fall on 29 of September 2020. I have invited all my close friends and I am going to celebrate it at my home. I hope you will come and join us. Yours friend, Aman. Right? Now we will move towards our essay, that is my father. Now, dear student, we will move towards our paragraph that is based over my father. So, let's start. The person I like the most in my family is my father. वो person जो मुझे अपनी family में सबसे ज़्यादा पसंद है वो है मेरे father. That is my father. My father's name is Dash. Here you have to write your father name. My father's name is Dash. He is very kind and gentle person. Wo bahut zyada dayalu and gentle person hai. He never beats me but only scolds me. Wo mujhe maarte nahi hai. बट वो मुझे स्कॉल्ड करते हैं, बस डांटते हैं. ही नेवर बीट्स मी बट ओनली स्कॉल्ड्स मी. राइट. ही हैज़ अ लॉट्स ऑफ पेशेंस. उनके पास बहुत सारा पेशेंस है. उनके पास बहुत ज़्यादा धैर्य है. He has a lot of patience. He also understands my feeling. वो मेरी भावनाओं को भी समझते हैं. He also understands my feelings. He inspire me to read a lot of books. वो मुझे inspire करते हैं कि मैं बहुत सारी books को read करूँ. Right? He inspire me to read a lot of books. My father also inspire me to write
सॉरी माय फादर आल्सो इंस्पायर मी टू रीड अ लॉट्स ऑफ बुक्स बुक्स रिलेटेड टू कॉमिक बुक्स राइट लाइक स्टोरी बुक्स सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स राइट ही इंस्पायर मी टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एवरी डे ही स्पेंड सम टाइम टू प्ले विद मी एवरी डे ही स्पेंड सम टाइम टू प्ले विद मी वो हर रोज मेरे साथ खेलने के लिए टाइम स्पेंड करते हैं ही एवरी डे ही स्पेंड सम टाइम टू प्ले विद मी वी प्ले कार्ड्स कैरम टूगेदर हम हर रोज हम इकट्ठे खेलते हैं यू कैन राइट हियर लूडो टू राइट क्रिकेट हियर वी प्ले कार्ड्स कैरम टूगेदर ही इज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड वो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं आई कैन टॉक टू हिम अबाउट एवरी मैं उनके साथ हर एक तरह की बात कर सकता हूँ इज माई बेस्ट फ्रेंड क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मोर ओवर ही नोज ऑल माई सीक्रेट्स इसके अलावा वो मेरे सारे सीक्रेट्स जानते हैं बिकॉज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड सो दैट्स वाई ही नोज ऑल अबाउट माई सीक्रेट्स आई लव माई फादर एंड ही लव्स मी अलॉट मैं अपने फादर को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं राइट सो दैट्स ऑल अबाउट एन एसे दैट इज बेस्ड ओवर माई फादर राइट सो टिल देन टेक केयर बाय